में स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, बिकॉज इससे माँ और बच्चा पेट के अंदर के बच्चे को तकलीफ हो सकती है। चलिए आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज़ें। अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है आपके प्रेगनेंसी जर्नी में, थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी में, डू गेट इन टच विद अस ऑन www.mayadwija.com। हमारे गर्भ संस्कार के क्लासेस है, हमारे पोस्ट डिलीवरी केयर के क्लासेस है, हम लोग के थर्ड ट्राइमेस्टर के क्लासेस है, एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए कुछ बहुत बेसिक चीज़ें। इन प्रेगनेंसी आपको बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत कम खाना है। याद रखो ऑल ऑफ यू, बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स में वनस्पति ही या डालडा की यूज़ होता है। एक तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट करता है, ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज करता है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये आपको अननेसेसरी वेट गेन करवाता है, जिस किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। सो आप लोग को इंश्योर करना है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाओगे आपके रूटीन डाइट में। पॉइंट नंबर टू, आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना, बिकॉज स्पाइसी डजेंट मीन टेस्टलेस ब्लैंड खाना, बट आप लोगों को टू मच स्पाइस का अगर आप लोग यूज़ करोगे तो आपको बहुत एसिडिटी हो सकती है, आपका नींद डिस्टर्ब हो सकता है। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एसिडिटी आपके पेट के अंदर के जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसका बैलेंस को भी ख़राब करता है। याद रखो ऑल ऑफ यू, अगर आपका डाइजेस्टिव जूसेस का जो फंक्शन है वो ख़राब हुआ तो आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बेंसी है वो ख़राब हो जाती है। जैसे ही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्बेंसी ख़राब हो जाती है, बच्चे को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप लोग को ध्यान में रखना है, टू मच स्पाइसी फूड यू नीड टू अवॉइड। पॉइंट नंबर थ्री, मैदा बेस्ड प्रोडक्ट्स। मैदा बेस्ड प्रोडक्ट्स में आपके बेकरी प्रोडक्ट्स आ गए, आपके बिस्किट्स आ गए, उसके साथ आपके नूडल्स आ गए। आप लोग अगर घर पे भटूरे वगैरह नान ऐसी चीज़ें खाते हो तो वो भी चीज़ें आ गई। मैदा बेस्ड अगर आप लोग कोई भी चीज़ बनाते हो, आइडियली मैदा जैसे ही डाइजेस्ट होता है वो आपके स्टमक के इनर लाइनिंग के अंदर जाके चिपक जाता है, और बिकॉज मैदा अंदर जाके चिपक रहा है वो आपके डाइजेशन के प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा ढीला कर देता है, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है आपके स्टमक में, एंड इट कैन गिव यू कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। तो आपको मैदा बेस्ड चीज़ें 100% अवॉइड करनी है। फोर्थ, एनीथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। ये क्या होता है, राजमा, चना, छोले, मटन, बीफ, ये जो चीज़ें होती है इज अ लिटिल हेवी फॉर डाइजेशन। सो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं क्या नॉनवेज खाना अलाउड है प्रेगनेंसी में। सी द इशू इज़ नॉट विद द नॉनवेज, इशू इज़ विद व्हाट यू ईट इन द नॉनवेज। श्रेया बट मटन खाने से मुझे तकलीफ नहीं होता, इट्स नॉट हेवी फॉर मी फॉर डाइजेशन, आप बिंदास ले सकते हो। अगर आपके लिए वो हेवी है डाइजेशन के लिए तो फिर आप लोग को 100% ख्याल रखना है कि वो चीज़ आप लोग नहीं लोगे। लास्ट पॉइंट नंबर फाइव, प्रेगनेंसी में टू मच दूध नहीं पियोगे आप लोग। अगर 400 ml से ज़्यादा आप लोग दूध पीते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉलिक देता है। यस, वो आपके बच्चे को भी तकलीफ देता है, बिकॉज डाइजेशन गड़बड़ होता है, आपको अनइजी होता है, आपका नींद नहीं होता है, आप पीसफुल नहीं हो। जब मम्मा पीसफुल नहीं है तो बच्चा पीसफुल कैसे रह सकता है। तो ये जो पांच खाने पीने के चेंजेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर प्रेग्नेंट लेडी ने याद रखना है कि आपको नहीं करना। शायद अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीज़ें हम लोगों ने सुनी, पपाया नहीं खाना है आपको, जैक फ्रूट नहीं खाना है, बनाना नहीं खाना है। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज में ये सभी चीज़ें पकने के बाद आप लोग खा सकते हो, या तो प्रॉपर राइप स्टेज में आप लोग खा सकते हो। हम लोगों से कोई बैठ के एक डजन बनाना नहीं खाने वाला है, ओके? बट अगर आपका पूरा फैमिली बोलता है मत खाओ और आपको भी लगता है मुझे नहीं खाना चाहिए तो मत खाओ। अगर गलती से कभी पाइनएप्पल जूस आपने पी लिया या एक पीस ऑफ पपाया आपने खा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डर के प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ सकती, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। प्रेगनेंसी और कॉन्फिडेंस दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने चाहिए, फिर डिलीवरी भी बहुत कॉन्फिडेंटली होती है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हर वेनसडे और सैटरडे हम लोग आपके लिए एक नया हिंदी वीडियो लेके आ रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।